नमस्कार। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे नेहा जी मौजूद है। मैं नेहा जी आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आके मुझे बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जो कि राम मंदिर इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और डेकोरेट किया गया है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। जी, अभी हम पीछे हम देख रहे हैं कि ये लता मंगेशकर चौराहा और ये खूबसूरत सी 40 फीट की जो बीड़ा बनी हुई है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लता मंगेशकर जी को डिनोट करते हुए ये जो उनको एक साइन दिया गया, एक सिंबल दिया गया, एक पहचान दिया गया, तो इससे पहले आपने कभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मतलब किसी चौराहे पे या कहीं भी देखा है? जी नहीं, इस तरीके से हमने किसी भी चिन्ह को किसी भी चौराहे और किसी भी मंदिर में कभी नहीं देखा है। ये खास हमारी लता मंगेशकर जी के लिए उनकी एक निशानी मानी है कि इनकी एक निशानी छोड़ के गई हुई है वो, और उसी आधार पर ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और जो कि आप देख सकते हैं, और उसे इसे लता मंगेशकर जी के नाम से जाना भी जाता है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि 500 साल के बाद हमारे राम लला को, हमारे राम प्रभु को उनका स्थान मिला, तो इस बात की खुशी मतलब हर एक नागरिक में है, झलक रही है वो, उसके चेहरे पर झलक रही है, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, हम ही एक नागरिक हैं, तो जैसे हमारे यहाँ सभी नागरिकों को खुशी है राम जी के यहाँ आने से, उसी तरीके से हमें भी बहुत खुशी है। और अयोध्या उनके आने से इतनी खूबसूरत हो गई है, और इतने दिन बाद राम जी यहाँ पे पधारे हैं, तो जाहिर सी बात है उजियाला तो होना था और दीपावली तो मनानी थी, तो इस तरीके से अयोध्या को इतना सुंदर बनाया।